उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिला अधिकारी ने युवती को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो वाराणसी के कपसेठी थाना के भीषमपुर का बताया जा रहा है। दरअसल यहां महिला अधिकारी आबादी की जमीन पर कब्जा मुक्त कराने पहुंची थी और युवती ने महिला अधिकारी से आदेश की कॉपी मांगी, तो महिला अधिकारी और युवती के बीच बहस हुई और जोश जोश में नायब तहसीलदार प्राची ने युवती को थप्पड़ जड़ दिया। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र के भीषमपुर गांव में आबादी की जमीन पर कई लोग मकान बनाकर रहते हैं। थोड़ी दूर पर ही गांव में रहने वाले संजय सिंह की जमीन है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग ने नाराजगी जताई और हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाने की मांग की। आरोप है कि कागज मांगने पर नायब तहसीलदार भड़क गई और युवती को थप्पड़ जड़ दिया। वही इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार ने जवाब भी दिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में सेवापुरी की नायब तहसीलदार प्राची केसरवानी ने कहा वह हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करने पहुंची थी, लेकिन मौके पर एक पक्ष के लोगों ने उन्हें धक्का दिया और हमला भी करने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपने बचाव में हाथ उठा दिया था। फिलहाल वायरल वीडियो में आधी बात कही गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस मुद्दे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।